हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल MRP Vlogs। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग? तो दोस्तों आज हम आ चुके हैं दिल्ली के, पीछे देख रहे हैं आप, ये कौन सी जगह बताओ, कमेंट में बताना। ये है पुराना किला। और दोस्तों आज मैं यहाँ पे इसलिए आऊँ कि इस पुराने किले में बहुत सारे लोग पहले से आ चुके हैं, पर इसमें कुछ नई चीज़ें हैं और वो देखते हैं क्या नया चेंजेस है। मैं भी काफ़ी पहले आया था तो वीडियो बनाने का यही एक मोटिव था कि देखते हैं इसमें क्या नया है। और प्लस इसमें अब पुराने किले की टिकट के साथ साथ म्यूज़ियम की टिकट भी ऐड कर दी है 5 रुपये की, यानी कि 25 रुपये पुराने किले की टिकट और 5 रुपये म्यूज़ियम की। तो वो म्यूज़ियम भी देखते हैं जो कि पहले नहीं था, वो उसमें ऐड हुआ है। तो दोस्तों अगर मैं टिकट की बात करूँ तो एंट्री गेट से स्टार्टिंग में ही मैंने टिकट ली थी, वो वहाँ से टिकट मिल गई। तो मेट्रो के टोकन की तरह टिकट मिलती है, मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से, और एंट्री भी सेट वैसे ही होती है। तो आइए अब चलते हैं अंदर। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए मेरी वीडियो पाने के लिए, और ऐसे व्लॉग मैं बनाता रहता हूँ, उस चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना वीडियो को और बहुत प्यार देना। चलते हैं अंदर और दिखाता हूँ क्या है अंदर। तो जो पुराने किले का इतिहास है वो ये है कि सबसे पहले प्राचीन काल में जो पांडवों का किला, जो महाभारत के टाइम पे पांडवों का किला कहा जाता था, वो यही है। और उस टाइम पे इंद्रप्रस्थ था इसका नाम। तो ये वही टीला, वही पत्थर है जिसमें बाद में आके शेरशाह सूरी और हुमायूं ने इसे और बनवाया, और ये हुमायूं यहाँ पे 1533 में उसके बाद यहाँ पे रहने भी लगा। तो इसे पुराना किला कहा जाता था और बहुत ही प्राचीन, जाएंगे तो ये पांडवों का किला या पांडवों का टीला बोला जाता था। तो अंदर चलते हैं, ये है मेन एंट्री गेट। तो अंदर चल के मैं देखता हूँ, मैं भी 8-10 साल बाद आ रहा हूँ, क्या नई चीज़ है आपको भी दिखाऊँगा ताकि आप भी वीडियो को देखने के बाद आएँ। तो आइए चलते हैं अंदर। बड़ा दरवाज़ा। तो दोस्तों ये जो पुराने किले का एंट्रेंस है ना, सबसे मेन ये है बड़ा दरवाज़ा के नाम से जाना जाता है। आपने दोस्तों एंट्री हमने कर ली, वो सामने बड़ा दरवाज़ा है, मैंने आपको जैसे दिखाया, ये हुमायूं ने ही जो छोटा मोटा जो भी कंस्ट्रक्शन रह गया था बाद में, जब यहाँ पे हुमायूं पर शासन हुआ तो हुमायूं ने ये सब कर कुछ बनवाया। और मैं अभी की बात करूँ तो दोस्तों अब यहाँ पे बहुत अच्छा बदल गया है। देखिए गार्डनिंग कितनी अच्छी कर दी है, अगर हम देखें तो काफ़ी लोग यहाँ पर आते हैं, धूप में लेते हैं, ठंड में धूप में बैठते हैं। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, यहाँ पर जब से ये नया रेनोवेशन हुआ है तो आप सामने देख रहे हैं इंडियन फ्लैग, ये पहले बिल्कुल भी नहीं था, तो एक ये लगाया गया। और अभी हम चलते हैं उसके पास और म्यूज़ियम भी दिखाऊंगा। और काफ़ी बड़ा है, अब काफ़ी ज़्यादा मेंटेन कर दिया। पहले हम कभी आए होंगे, अगर आप भी 8-10 साल पहले मैं आया था तो सब कुछ ऐसे ही था, कुछ बढ़िया भी नहीं था। तो अब देखते हैं, और आप सामने वहाँ देख रहे हैं वो किला है जो हुमायूं का मेन घर, ये एंट्री, तो वहाँ चलेंगे अभी थोड़ी देर बाद। तो चलते हैं आगे, आगे बढ़ते हैं, हमारा इंडियन फ्लैग। और यहाँ पे छोटा सा दिखाया गया कि कहाँ पे क्या है, क्योंकि बहुत बड़ा है ये। तो सबसे पहले पड़ेगा बावली, उसके बाद शेर मंडल, उसके बाद अवशेष, उल्लंखित अवशेष, फिर हमाम, और फिर हुमायूं का दरवाज़ा। तो ये सारी चीज़ें पड़ेंगी, एरो दिया हुआ है, इस साइड से जाना पड़ेगा हमें। तो चलते हैं, पहले फ्लैग के पास चलते हैं, क्या इन्फॉर्मेशन है। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पे आएंगे तो आप इस तरह से मैप बना देगा कि पुराने किले में किस तरह से घूमा जाएगा, क्योंकि काफ़ी बड़ा है तो लोग खोए ना, इस वजह से ये मेन दरवाज़ा है। तो अब इस तरफ चलते हैं हम, ये रास्ता है हुमायूं के मकबरे की तरफ। चलिए अब चलते हैं आगे, बढ़ते हैं, देखते हैं, काफ़ी चीज़ें बना दी गई हैं नई नई, ये रास्ता देख रहे हैं, पहले भी ये भी नहीं था, काफ़ी रेनोवेट किया गया। चलते हैं इस किले के अंदर, अब ये किसका किला है, काफ़ी सुंदर लग रहा है, देखो दोस्तों। मेरे पीछे आप ये देख रहे हैं, ये है किलाए कोहना मस्जिद, किलाए कोहना मस्जिद। और अगर आपको इसको देख के कुछ याद आ रहा हो, पुराने किले के अंदर यहाँ पे बहुत सारे गानों की शूटिंग हुई है। और पुराने किले में आपने शाहरुख खान की मूवी देखी होगी,
जिसका वो गाना है जो कर मनीषा कोइराला के साथ है मूवी, याद नहीं आ रहा नाम उसकी। और यहाँ पे नूरा फतेही ने भी सॉन्ग शूट किया है, जिस दिन मदद बनोगे उसी दिन ही छोड़ देंगे, वो वाला गाना सेम यहीं पे शूटिंग हुई है। तो पुराने किले में बहुत सारी शूटिंग होती रहती है। तो आइए अंदर चलता हूँ, मैं इसके अंदर चलता हूँ और दिखाता हूँ आपको पूरा कितना सुंदर है ये। और यहाँ पे लाइटिंग भी होती है, रात को कोई भी शो वगैरह होता है गवर्नमेंट का है वैसे, तो उसके लिए भी ये यूज़ किया जाता है। चलिए अंदर से दिखाता हूँ और पूरी ये देखिए पीछे की साइड झील है वो भी दिखा देता हूँ। ये देखिए कितना सुंदर है। तो दोस्तों ये एक हिसाब से पूरा मस्जिद थी, तो उसको जो मस्जिद के लिए यूज़ किया जाता था यहाँ पे, देख सकते हैं कितना सुंदर है, बहुत एकदम कला कितनी बढ़िया है, पूरा आपको ये दिखा दिया मैंने। तो दोस्तों अगर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना। ये देखिए फ़ोटो ले रहे हैं लोग यहाँ पे। तो ये किला नुमा मस्जिद है जिसको पुराने किले के अंदर यहाँ पे अपना यूज़ किया जाता था, नमाज पढ़ते थे यहाँ पे, और बेसिकली सबसे ज़्यादा यहाँ पे हुमायूं ने टाइम स्पेंड किया है अपनी लाइफ का। अब ये जो नीचे देख रहे हैं ना ये सुरंग टाइप, तो किलों में पहले ऐसे ही बनाए जाते थे गुप्त रास्ते, तो इस तरह से देख सकते हैं आप ज़मीन के अंदर, वो आप सीख रहे हैं नीचे एकदम, वो तो पूरा ही गुप्त रास्ता है। तो इस तरह के खुफिया रास्ते भी बनाए जाते थे पहले तो किलों के अंदर, तो काफ़ी ऐसे रास्ते हैं। और अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ तो ये जो पुराना किला है ठीक, आपने अगर भैरव बाबा मंदिर देखा होगा दिल्ली का प्राचीन, सेम उसके जिस बगल में दीवार लगी है पुराने किले की, तो आप अगर वहाँ हैं तो भैरव बाबा के दर्शन भी कर सकते हैं। दोस्तों हमने किला नुमा मस्जिद देख ली, पुराना किला में, अब आगे बढ़ते हैं और थोड़ा कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा है यहाँ पर। अब हम चलते हैं उस गोल सी जगह पर, मुझे नहीं पता वो उसे क्या कहते हैं, आगे चल के देखते हैं और बताता हूँ आपको। मोस्टली देखा गया कपल्स आते हैं क्योंकि शॉप पर यहाँ पर गुप्त अड्डे हैं उस वजह से, बट काफ़ी लोग अब आ रहे हैं क्योंकि सिक्योरिटी भी है और काफ़ी चीज़ अच्छे बदल गई हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ पे सिर्फ कपल्स आते हैं, फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड करने आते हैं लोग, आप जैसे देख सकते हैं। चलो चलते हैं वहाँ पे। अब पीछे आप ये जो पुराने किले में हमाम देख रहे हैं ना, हमाम बेसिकली क्या होते थे, स्नान गृह, नहाने के लिए, जहाँ पे ठंडे और गर्म पानी को एकत्रित किया जाता था, फिर वहाँ पे राजा महाराजा उस टाइम की रानियाँ जो भी हैं उस टाइम के लोग नहाते थे, तो ये स्नान गृह हो गया एक तरह से। चेंजेस की बात करूँ ना तो इतना सुंदर बना दिया गया है, गार्डनिंग पूरे में कर दी गई है पुराने किले में। आप पेड़ देख रहे हैं ये इस तरह के, और काफ़ी सुंदर पहले से बना दिया है, पहले ऐसे ही पड़ा हुआ था। पहले यहाँ पे ये बदनाम था, सिर्फ कपल्स आते थे उल्टी सीधी हरकतें करते थे, बट अब ऐसा नहीं है, घूमने के लिए बहुत ही अच्छी जगह बना दी गई है। ये देखिए आप देख सकते हैं कूड़ा करकट नहीं है, बहुत अच्छी गार्डनिंग है, तो साफ़ सफाई का समय हमें भी ध्यान रखना चाहिए। और दोस्तों ये जो पेड़ है ना, इसी तरह से पहले यहाँ पे छोटे छोटे पेड़ हुआ करते थे। पुराने किले की शूटिंग तेरे नाम मूवी का जो गाना है तेरे नाम वाला, तो वो पुराने किले में वो भी शूट किया गया था। आप सामने देख रहे हैं दोस्तों वो पुराने किले का जो पीछे का एंट्रेंस है। और अब चलते हैं हुमायूं के मकबरे के पास, तो काफ़ी गानों की शूटिंग भी हुई है पुराने किले में। अब धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और उस जगह पर चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ हुमायूं का जो मकबरा था जहाँ हुमायूं रहते थे वो कौन है जगह। ये नाम का जो गाना सुना है, सलमान खान यूं करके खड़े होते हैं, ऑरेंज और वाइट कलर की शर्ट होती है, तो वो आप देख रहे हैं सामने पेड़ है, वो वाला पेड़, ये वाला जो पेड़ है ना, ये वाला यहाँ पे वो शूटिंग हुई थी। तो देखिए अब सेम वैसे ही पेड़ है, सेम वही लोकेशन है, हमाम के सामने ही शूटिंग की थी। तो अगर वो गाना आप कभी देखेंगे तो यही वो जगह है। तो अब हम चलते हैं आगे जो पीछे का एंट्रेंस है इस पर। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही हो, मेहनत मैं कर रहा हूँ कि मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आए, और कभी भी आप दिल्ली में हो या दिल्ली के बाहर दिल्ली आएँ तो पुराने किले को ज़रूर घूमें, पहले से ज़्यादा खूबसूरत कर दिया गया है। और वीडियो को लाइक और शेयर करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना मेरी ऐसी ही वीडियो पाने के लिए।
फाइनली हम पहुंच चुके हैं हुमायूं के दरवाजे के पास। अगर थोड़ी सी इंफॉर्मेशन अगर मैं लेना चाहूँ ना, ये दरवाज़ा है हुमायूं दरवाज़ा, इसे कहते हैं हुमायूं दरवाज़ा। यहाँ से स्टार्टिंग होती थी हुमायूं का जो मकबरा, जो पुराने किले में पूरे में जो मेन उनका जो एंट्रेंस था जहाँ वो रहते थे, तो ये स्टार्टिंग। तो अब चलते हैं इसे पूरा मैं आपको दिखा देता हूँ। काफ़ी टूट फूट गया, काफ़ी पुराना है, तो आइए एक एक करके दिखाता हूँ मैं आपको यहाँ से। तो दोस्तों ये है हुमायूं का मकबरे का मेन गेट, और अब अगर आप नीचे जाके देखें ना तो कितने ही इस पुराने किले की एक खासियत है दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारे गुप्त रास्ते बनाए गए थे। इस किले के बारे में कहते हैं कि इसकी जो सुरक्षा तोड़ना बहुत ही मुश्किल होता था उस टाइम के लोगों को पता भी नहीं था कि किले में कितनी जगह हैं, कितने रास्ते हैं, कहाँ से ऊपर नीचे कहाँ से जाते हैं। तो अंदर जाके मैं दिखाता हूँ ये गुप्त रास्ता। जो मेन गेट है दोस्तों हुमायूं के दरवाजे के, ये इसके नीचे हैं। हम देखिए वो इतनी ऊंचाई पे हुआ है, इसके नीचे हैं हम, और ये ईंटों से अब बंद कर दिया। पहले ही यहाँ से रास्ता था जो अंदर से सीधा निकलता था, तो इन सभी रास्तों को कहते हैं गुप्त रास्ता बनाया करते थे किलों के अंदर। आप देख सकते हैं सब काफ़ी, देखते हैं आप पुराना किला काफ़ी टूट फूट गया है, तो इस तरफ की इस साइड की ज़्यादा मरम्मत नहीं करते। अब आगे चलते हैं ऊपर की साइड और जितनी भी जगह हैं उनको देखते हैं। आइए चलते हैं अंदर। तो ये है जो जगह दोस्तों, ये मेन एंट्रेंस था, इससे ऊपर जाते गेट बंद कर देते हैं इस टाइम पे, और मोस्टली तो ये बंद रहता है क्योंकि आम लोग यहाँ पे नहीं जाते, काम वाम चलता रहता है, तो जो यहाँ के देख रखाव हैं वही आते हैं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ से मैं दिखाता हूँ आपको नीचे का रास्ता। ये देखिए कितने गुप्त रास्ते हैं। वो जो जगह देख रहे हैं ना आप, वो मेन रास्ता है जो पता भी नहीं होता था लोगों को कि इस किले में कितने दरवाजे हैं और कौन कौन से गुप्त स्थान हैं, ताकि कभी मुसीबत आए तो राजा को वहीं से निकाला जाए। तो आप ये देख सकते हैं दोस्तों, ये है ये मेन एंट्रेंस पुराने किले का। ये देखिए लोग काफ़ी यहाँ पे फ़ोटोज़ भी करवाते हैं। इस तरह से टूटा हुआ है पूरा, और ये पिलर हैं, ये जो टूटा हुआ दिख रहा है ना आपको, ये सारे पिलर हुआ करते थे, बहुत ही मजबूती से बनाया हुआ था ये। मैं खड़ा हूँ पुराने किले के इतने ऊंचाई पे, आप देख सकते हैं नीचे एकदम मेन दरवाजे उस विंडो पे खड़ा हूँ मैं, जहाँ से सैनिक यहाँ पे खड़े हुआ करते थे, और सामने से अगर कोई दुश्मन आता था तो उसको पहले से ही देख लिया करते थे। ये देखिए ये वो रास्ता है, ये वो जगह है। तो अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ से, ये देखिए ये था हुमायूं का मकबरा पुराने किले में। हुमायूं यहाँ पे रहते थे, ये मेन एंट्रेंस था, तो काफ़ी ज़्यादा पुराना हो गया, अब 600-800 साल हो चुके हैं, तो काफ़ी टूट गया। और इसकी मरम्मत इसलिए नहीं कराते क्योंकि ये पुराना किला है जो मेन एंट्रेंस है, इसे देखने के लिए ही आते हैं। अगर इसकी मरम्मत कराई तो फिर पहले की जो बनावट है वो हट जाएगी, इसलिए इसको ऐसे ही रहने दिया जाता है। और काफ़ी गुप्त रास्ते भी मैंने दिखाए। अब एक चीज़ हमारी और रह गई है, अब स्नान गृह और किलाए मस्जिद देखने के बाद, ये तीन चीज़ें देखने के बाद अब हम चलते हैं सीधा म्यूज़ियम में। और पुराने किले में जो म्यूज़ियम अब बनाया गया है, पहले नहीं था, तो उसे देखते हैं कि उसमें क्या क्या है और कौन सी चीज़ें रखी हैं। आइए चलते हैं अंदर। तो दोस्तों अब चलते हैं म्यूज़ियम में, जो कहते हैं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, तो ये है उसका मेन गेट। तो अंदर चलते हैं, अगर वीडियो अलाउड होगी तो ज़रूर दिखाऊँगा। और ये देखो परेशान करता रहता है, ये है प्रवेश एंट्री।
अंदर वीडियो और कैमरा अलाउ नहीं था, फिर भी मैं थोड़ी सी साइड में आके आपको दिखा रहा हूँ। तो अंदर जो जितना भी म्यूज़ियम है यहाँ के पुरातत्व में जो अपनी जो भी कलाकृति हैं बनाए हैं, तो जैसे अगर ये देखिए विष्णु जी हैं शर से बनाए गए हैं, ये आप देख सकते हैं। तो काफ़ी अच्छे तरह से जिस तरह से बनाते थे और मूर्तियाँ वगैरह कहीं ले गए तो हैं वरा, तो उस तरह का म्यूज़ियम है पूरा। बनाते थे मतलब हाँ, ये बहुत ही पुरानी कला किस तरह से बनाते थे। तो अब यहाँ पे वीडियो करते हैं एंड, पुराने किले की पूरी मैंने वीडियो दिखाई आपको, तो पहले से काफ़ी चेंजेस हैं यहाँ पे, काफ़ी अच्छी गार्डनिंग है। अगर आप दिल्ली के बाहर हैं, दिल्ली में आएंगे कभी या दिल्ली में हैं, तो आपको एक बार ज़रूर घूमने आ सकते हैं, बहुत अच्छा लगेगा आपको फैमिली के साथ या अकेले। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। पहली बार आए हैं चैनल को तो मेरे ऐसे ही व्लॉग पाने के लिए, तो थैंक यू सो मच दोस्तों। जय श्री राम।